हमारे पिताजी राम जन्म भूमि में शहीद हुए हैं, हम लोगों को उस पर गर्व है। समय का एक अलग जुनून रहा कि हमारे ऊपर जैसे धर्म के साथ जैसे नहीं होता है कि हमारी चीज़ों को छीना जा रहा है, कई वर्षों से छीना जा रहा है, अभी भी छीना जा रहा है। एक अंदर से मतलब कि क्रांति का अलग बिगुल बज रहा था। काफ़ी लोग आते गए लेकिन आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं की। मान हुआ कि अयोध्या 6 दिसंबर को पहुंचना है, हाँ, तो हम लोगों के अंदर अलग जज्बा अलग चीज़ था। मगर हमारी माता जी बहुत डरती थी कि ये सब कार में ये न जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। घर के में इकलौता लड़का और मैं उस समय हाई स्कूल में था। उस समय एक हमारे सहयोगी हुआ करते थे विजय वर्मा, जो सभासद लक्षानई बस्ती के हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार चल चलो कुछ कर लिया जाए, राम के नाम से जीवन आता और जाता रहेगा। तो अंदर उनकी बात जाके मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई कि सब राम राम के नाम से जाना है तो सब क्यों ना हम अभी राम के पास ही चले जाए। एक अलग जुनून भरा और रात का समय था। हम लोगों को स्टेशन से ट्रेन पकड़ना था फैजाबाद के लिए और वो ट्रेन था 12 बजे और हम लोग निकलना था हम लोगों को घर से 8 बजे। तो माता जी हमारी रोटी बना रही थी कि चलो अभी लड़का आया है नहा धो के अखाड़े से, उसको हम कुछ दो रोटियाँ और दूध सब हमारा जो होता है वो व्यवस्था हमारा करे था। और हमने क्या किया कि माता जी हमारी किचन में है, अंदर है, रसोइया में है, हाँ, और क्यों ना इसका हम फायदा उठा के भाग जाए। तो हमने क्या किया, हमने जूता अपने उसको करके कपड़े में लपेटा गमछे में और धीरे से पहले हम किनारे रखे जूते को, फिर हम माता जी से हमने कहा कि माता जी मैं जा रहा नंबर 2, तो कहा कि ठीक है जल्दी से आओ। और उतने में हमको बहाना मिला और मैं धीरे से घर से निकला, सीढ़ी से उतरते हुए भाग के निकल गया। तस्वीर बस यही था कि किसी तरीके से इससे आज को आज मुक्त करना है और अपने बलिदान को छोड़ के जाना है, अपने बलिदान दे देना हम लोग को, कोई इससे मतलब नहीं जीवन से हम लोगों को। बस सिर्फ एक चीज़ रहा है कि ये जो कलंक है ये कलंक हटे, क्योंकि 500 साल से इस पर चल रहा था विवाद। और वहाँ पर हम लोग जब पहुँचे, जब अशोक सिंगल बहुत तेज़ी से मंच के सामने से निकल के बाहर आ रहे थे, उस समय कार सेवकों ने बोला कि महोदय आज इसको ख़त्म कर देना ही उचित है। तो अशोक सिंगल जी का कहना था कि करना है तो करो, करना है तो करो। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया पीछे के तरफ से कि हम लोग दो लोग महाराष्ट्र के थे और एक हम थे, एक दो लड़के और थे बिहार के। हम लोगों ने सबको एक संकल्प लिया गया कि भाई एक कि इसको हम लोग करके करते हैं, मर जाते हैं तो विजय वर्मा जी हैं या बगल में हम लोग के साथ जो आए हैं उनको हम लोग एक लेटर दे देते हैं, ये हम लोगों को घर पहुंचा देंगे। ये हम लोग संकल्प ले करके हम लोगों ने पहले चढ़ाई किया। पीछे से जब चढ़ा गया तो पूरी फोर्स उसको घेर ली मारने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ये इसका काम ख़त्म हो गया। फिर दूसरा चढ़ा, दूसरे को भी घेरा गया, तीसरा मेरा नंबर था, मैं भी चढ़ा तीसरे की तरफ। चढ़ते हुए जब हमें जो पीछे की तरफ बरगद का पेड़ का वो था जड़, उसको हम लोग पकड़ कर जिस तरह से अखाड़े में रस्सा चढ़ते हैं हम लोग हैं, उस तरह से उसको पकड़ के हम लोगों ने चढ़ना हमने शुरू किया। उसमें PSC वाले हमको बहुत मारे थे पीठ पे, मगर उसका कुछ असर नहीं था। वो जुनून ही अलग रहा, उसका कुछ असर भी माने नहीं था। बस इतना था कि हम लोग को गोली खाना है, तो लाठी का कोई मतलब नहीं था उसका। तो हम लोग सहसा जब चढ़ गए ऊपर, जब हम लोग इस तीसरे वाले पर इस जगह पर जब हनुमान जी का ध्वज उस पर जब हम लोग लगाने गए, तो जो सामने बैठे हुए राम भक्त, तब फिर वो किसी की बात वो सुने नहीं मंच पे कि आप रोको तो ये करो तो कुछ नहीं, बस सीधे ये रहा कि बस सीधे चल जाना है, इसको हटा देना। और एक चीज़ और भी हमें बता दे रहा हूँ, वहाँ कुरियाल से और पत्थर से तोड़ा नहीं गया है, ईटा से मार मार के उसको हटाया गया है। और 4:45 बजे तक का बीच वाला खंभा हटा, जिसमें कि एक कलकत्ता का बंगाली था वो दब के उसमें मरा। वो भीड़ अपने आप कोई को मार्गदर्शक नहीं था। मंच के जब मंच लगा, जो मार्गदर्शक देने वाले जो मंच पे थे, हाँ, आडवाणी जी तमाम लोग थे, सभी लोग बड़े वरिष्ठ लोग थे, कोई की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था, सिर्फ एक ही आवाज़ सुन जा रहा था, जय श्री राम जय श्री राम।
उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ जय श्री राम, बाबरी मस्जिद ध्वस्त, बस जय श्री राम। मगर मैं फिर निवेदन करता हूँ कि जो राम भक्त थे, जो राम भक्त सेवा किए हैं, उनको भी एक स्थान दिया जाए और उनको भी उस चीज़ के दर्द को उस जगह पर लिखा जाए कि ये भी एक दर्द था जिसके कारणवश आज ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, एक इतिहास का पन्ना वो भी है। और यार राम मंदिर फैसला भी आ गया, आज तक हमारी मदद किसी ने नहीं किया, मंदिर भी बनने जा रहा है, आश्वासन दिए थे कि मंदिर बन जाएगा तब भी आपकी कुछ मदद करेंगे हम लोग, फिर जो है काफ़ी लोग आते गए लेकिन आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम बहुत लोग के पास गए, अपनी बात कहे तो कहे कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। और चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद जो जो बलिदान हुए हैं उसमें उनका वहाँ स्मारक बने।